देखिए मसाला भिंडी की रेसिपी बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी मसाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए देखते इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये मैं 250 ग्राम भिंडी ली है, ये बिल्कुल छोटी वाली भिंडी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए, दो टमाटर, दो प्याज, एक नींबू, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च। अब सूखे मसाले देखते हैं। तेज पत्ता, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, बड़ी इलायची, दो लौंग, तीन से चार काली मिर्च, दही, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा एक चम्मच, सब्जी मसाला एक बड़ा चम्मच, मीट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। इस तरह से भिंडी लेंगे, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। बीच से लगा देंगे इस तरह से चीरा एक, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से सारी भिंडियाँ काट के तैयार कर लेंगे। ये सब्जी बनके बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। ये देखिए सभी भिंडी हमने इस तरह से काट के चीरा लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और ये जो हमने नींबू लिया था उसे हम काट के इसका रस डालेंगे थोड़ा सा। इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। मसाला अच्छे से कोट हो गया है, इन्हें हम रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड में। अब हम टमाटर को काट लेंगे, इसे हमें दरदरा सा पीसना है। प्याज भी हम काट लेंगे इसी तरह से, इसे भी हमें दरदरा सा पीसना है। अब हम अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट बनके तैयार है। इधर हमने गैस ऑन कर दी है, गैस पर रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। इसे अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये जो भिंडी हमने मसाला वाली तैयार की थी इसको हम डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे हम डीप फ्राई चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे, लगभग 5 मिनट लगेगा इसे फ्राई होने में। भिंडी हल्के से फ्राई हो गई है, देखिए हल्के से तवा भिंडी हो गई है। इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, जिसमें हमने मसाला लगाया था उसी में हमने भिंडी निकाली है। देखिए भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और ऐड किया है, तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। ये हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च ली थी, इनके हम बीच से दो टुकड़े कर देंगे इस तरह से। इधर तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये सूखे मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, इसे चटकने देते हैं। अब इसे हमें हम डाल देंगे ये कटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, टमाटर, अदरक और इसे हम पकाएंगे। जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता तब तक ही इसे हम पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का मीडियम हम कम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम। प्याज, टमाटर और अदरक को अच्छे से पका लेंगे। ये
देखिए प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं, तेल भी ऊपर आने लगा है। एक बार अच्छे से चला देंगे इसे इस तरह से। अब इसे हम मसाले ऐड करेंगे। गैस पर फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, मीट मसाला, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बेसन ऐड किया जाता है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे ताकि मसाले जलेंगे। मसालों को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि तेल ऊपर मसाले से नहीं आ जाता। देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी ऊपर आने लगा है। एक बार इसे चला लेते हैं। बीच बीच में ऐसे हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाया है चला चला के। इस तरह से अब इसे हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे गैस से उठा के इस तरह से। देखिए बुलबुले कम हो गए हैं इसमें तेल के। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे मसाले में और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे दही वाली कटोरी से ही, लगभग आधा कटोरी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में। अब फिर से हम गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई रख देंगे और गैस मीडियम फ्लेम पर चला देंगे और इसे हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। रखने के बाद दही हमने इसमें हमने दही ऐड किया है मसाले में, इसलिए हम बीच बीच में चला रहे हैं। इसे चलाते हुए इसे पकाएंगे लगभग आधा मिनट के करीब में, 1 से 1.5 मिनट के करीब में। ये मसाला 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों के साथ। अब इसमें हमने जो भिंडी फ्राई की थी वो डाल देंगे। ऐसे हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। इसे हम ढक देंगे थाली से। 3 से 4 मिनट हो चुका है। ये देखिए ढक्कन हटा के देखो, मसाला भिंडी बनके तैयार है। एक बार इसे चला देंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। देखिए मसाला भिंडी बनके तैयार है। देखिए मसाला भिंडी की रेसिपी बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है।